अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और इन साहब का तो मैं इंट्रोडक्शन अभी थोड़ी देर में करवाता हूँ, आपको बहुत अच्छे तरीके से इनका नाम याद होगा। बात ये है कि आपने सुना होगा कुछ दो चार दिनों पांच दिनों से दानिश कनेरिया का एक वो चल रहा है कि उसको किसी ने कुछ बोला, किसी जिस तरह शोएब भाई ने कुछ बातें बोली दानिश के बारे में, और दानिश जिस तरीके से उस उनकी बातों को लेके चला और जिस तरीके से मेरे ख्याल में उसने शोएब भाई की बातों को गलत यूज़ किया और पाकिस्तान का नाम उसने बदनाम किया। आपको याद होगा कि दानिश कनेरिया ये कहते फिर रहे हैं कि जी मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ, और एक प्रोग्राम में तो उसने मेरे बारे में भी कह दिया कि मैं लगता है कुछ खुल के बात नहीं करता, खुल के बात करने में हिम्मत नहीं है। तो मेरे ख्याल में दानिश को ये पता, इनको देख के ये पता चल जाएगा कि मेरे में कितनी हिम्मत है या नहीं है। मैं एक चीज़ बताऊँ कि दानिश ने जब शोएब अख्तर ने उनके बारे में बोला कि जी कुछ प्लेयर्स ने ये बोला कि दानिश के साथ हम खाना पीना भी नहीं खाते, और दानिश ने जो रिप्लाई किया उस पर, दानिश ने ये नहीं बोला उस वीडियो के अंदर कि मैं अगर एक दो प्लेयर्स ऐसे थे तो उसके अलावा सब ऐसे नहीं होते। दानिश ने जितनी भी अभी तक वीडियो बनाई है एक दफ़ा भी किसी वीडियो में ये नहीं बोला। हाँ, ये ज़रूर बोलता है हर वीडियो के अंदर, मुझे पाकिस्तान ने बड़ी इज्जत दी, मुझे बड़ी मोहब्बत है पाकिस्तान से, लेकिन उसने ये अभी तक नहीं बोला कि नहीं सब लोग एक जैसे नहीं होते। वो हमें पता है कि दानिश किस तरफ चल पड़ा है और क्यों चल पड़ा है। आपको याद होगा कि मैंने एक प्लेयर का नाम लिया था जो मेरे साथ 8-10 साल इंग्लैंड में रहा और क्रिकेट भी खेली है, मैंने राजेश रमेश का नाम लिया था। ये वो प्लेयर है राजेश रमेश। मैं इस वजह से इनको लेके आया हूँ क्योंकि दानिश कनेरिया ने जो लास्ट अपनी जो YouTube चैनल खोल के हमारे पे थोड़ा सा एहसान कर लिया उसने, उसमें जो उसने बात की, उसने बोला कि राजेश के बारे में तो कुछ और कह रहे हैं, मेरे बारे में कहते हैं कि तुम्हारे साथ लोग खाना पीना नहीं खाना चाहते। मेरे साथ राजेश रमेश बैठे, मेरा राजेश आप इस प्रोग्राम में बैठे हैं, आपने बिल्कुल सच बात करनी है, ठीक है? आपने ना मेरे प्रेशर में आना है ना किसी के प्रेशर में आना है, ठीक है? आपने बिल्कुल सच और बिल्कुल स्ट्रेट अवे बात करनी है। आप कितना अरसा क्लब क्रिकेट खेले हो कराची से? मैं ठीक ठाक खेला हूं तनवीर भाई, तकरीबन 10-12 साल। थोड़ा जोर से बोलो। 10-12 साल हो गए मुझे। 10-12 साल ये क्लब क्रिकेट से खेले? फर्स्ट क्लास क्रिकेट कितने खेले हो? 10 साल ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। अच्छा मुझे ये बताएं, आज दिन तक कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने जिस गिलास में पानी पिया, जिस प्लेट में आपने खाना खाया, या किसी लड़के की प्लेट आपने उठाने की कोशिश की या वहां से पानी पीने की कोशिश की, किसी ने आपको मना किया कि ये काम क्यों कर रहे हो? नहीं तनवीर भाई, ऐसा कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ इन 10-12 सालों में, क्योंकि मैंने भी माशाल्लाह बड़ी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के अंदर और सभी प्लेयरों के साथ खेला। कभी किसी प्लेयर के साथ मेरा ऐसा नहीं हुआ कि मैं उसका झूठा नहीं पिया। इवन से ग्राउंड में कोई बॉलिंग कर रहा होता था, पानी आता था, तो पहला जो सिप होता था वो मेरा ही होता था, उसके बाद जो 11 लड़के होते कभी लड़कों ने बोला नहीं तुमने बोतल को मुंह क्यों लगा दिया? कभी भी किसी ने भी ऐसा नहीं बोला, क्योंकि झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। आई डोंट नो कि दानिश भाई कहते हैं कि कुछ प्लेयर कर रहे हैं, तो ये मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे साथ तो इन 10-12 आपने इनकी वीडियो कुछ सुनी है? अभी मैंने लास्ट वीडियो सुनी थी जो दानिश भाई ने जो मेरा नाम लिया था, क्या कहते हैं राजेश रमेश का, मेरी समझ में नहीं आई उनका 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 शायद कहने का मकसद ये था कि मैं जो राजेश के बारे में कहता हूँ कि राजेश को कभी किसी ने कुछ नहीं बोला, और मेरे बारे में तनवीर कहते हैं कि तुम्हारे साथ हर कोई तुमसे दूर भागता या खाना नहीं खाता या कुछ, वो उनकी शायद थोड़ी सी सोच इस टाइप की थी, हो सकता है। लेकिन तनवीर भाई मैं आपके साथ 10 साल इंग्लैंड में रहे, हमने किस तरह रहा है, एक ही खाने में एक ही प्लेट में खाना, ये वो सारी एवरीथिंग जितनी भी चीज़ होती है, दोस्तों के साथ जाते आते थे, कभी साथ खेले, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ हो, कोई एक शख्स हो के कोई बोले कि नहीं यार हाँ ऐसा मैंने। ये दानिश तो ऐसे बोल रहा है अपने टीवी चैनल्स पे आके या अपने मीडिया यूट्यूब जो उसने बनाया है, वो तो इस तरह बात आके कर रहा है कि जैसे पता नहीं उसके साथ कभी अच्छा हुआ ही नहीं है, उसके साथ तो लोगों ने पता नहीं कितना उसके साथ नाइंसाफी की है। मेरे साथ राजेश बैठे हैं, मेरा इनको बुलाने का, इस प्रोग्राम में बिठाने का मकसद ये था कि जो लोग उसको फेवर कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, आपको पसंद है, जो प्लेयर जिसको पसंद है सपोर्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये सोचे समझे कि वो जिस तरीके से बात कर रहा है वो पाकिस्तान की कब सपोर्ट कर ही नहीं रहा, क्योंकि वो जिस तरीके से बात कर रहा उसने उसकी किसी भी वीडियो के अंदर उसने ये बात ही नहीं की कि नहीं जी कुछ प्लेयर्स होंगे ऐसे लेकिन सारे प्लेयर्स ऐसे नहीं, उसने किसी एक वीडियो में ये बात नहीं की। तो राजेश को बुलाने का मुझे ये मेरा मकसद था कि
ये कम से कम अपनी जबानी बताए कि ये भी इसी मुल्क के अंदर रहता है, इसके साथ तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, उसके अलावा कभी कोई ऐसी आप रूम शेयर करते थे लड़कों के साथ, कितना अरसा आपने टूर किया है, कभी ऐसा हुआ कि मेरे साथ मत बैठो, तुम अपनी अपना बेड अलहदा करो, या ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं, बल्कि तो तनवीर भाई हम तो ये होते थे अगर कोई रूममेट होता था साथ, जैसे खाने की ट्रे आती थी, प्लेट्स भी आती थी, तो हम प्लेट्स में तो लेते ही नहीं थे, हम उन्हीं में ही शुरू हो जाते थे, क्योंकि वो कितनी एक छोटी सी ट्रे होती थी। कभी किसी ने बुरा नहीं माना। इवेंट्स के जब मैं फर्स्ट क्लास वगैरह खेलता था तो बहुत सारे लड़के कहते थे क्या कहते हैं अपना कि नहीं यार आज बीफ ये वो, तो बहुत मेरे को मजाक करते थे मेरे साथ कि बीफ आ रहा है ये आ रहा है, तो कोच तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही मना कर देता थे, कोच मैनेजर के नहीं हमारे साथ एक लड़का ऐसा है जो नहीं खाता ये चीज़ तो नहीं आएगी, वो आती नहीं थी मेरे साथ, कभी भी नहीं आई, मेरे को तो इतना वो मिलता था जिस चीज़ को हद नहीं, बाकी मेरे साथ कभी किसी ने नहीं करा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, जिस तरह दानिश भाई कह रहे हैं कि मेरे साथ कुछ लोग प्लेयर्स करते थे, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे अफसोस ये हुआ, अच्छा मुझे एक और चीज़ सुनने का उन दानिश का बड़ा अफसोस हुआ, वो कहते हैं जी कि मेरे साथ पीसीबी ने बड़ा जुल्म किया है। अब उनको ये नहीं पता कि पीसीबी ने कोई जुल्म नहीं किया, जिस चीज़ में वो फंसे हुए थे उधर उसमें केस में अभी तक फंसे हुए। और आपने भी सुना होगा कि जब दानिश के ऊपर ये इल्ज़ाम लगे थे स्पॉट फिक्सिंग के, मैच फिक्सिंग के, या जो भी इनके ऊपर लगे थे, पाकिस्तान मीडिया ने कितनी उनकी बात की थी दानिश की कि भाई ये इसका कोई वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दानिश ने किसी का ख्याल नहीं किया, ये तक अपने टीवी चैनल पे इसने नहीं बोला कि यार मैं ठीक है एक्सेप्ट किया मैंने जाके दूसरी तरफ दूसरे किसी गैर मुल्की चैनल पर, मेरे लिए पाकिस्तान में जो जिन प्लेयरों ने मेरे लिए बात की उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उसने यहाँ तक नहीं बोला, सिर्फ वो इस चक्कर में लगा हुआ है पता नहीं सब्सक्राइब हासिल करने हैं या क्या करने हैं, व्यूज़ के चक्करों में लगा हुआ है, यही लग रहा है मुझे उस चक्करों में लगा हुआ है, तो उसको नज़र आ गया कि वहाँ से पैसे बनते हैं तो बस यही कुछ ही करते रहो। वो 10 साल जितना अरसा वो क्रिकेट खेला पाकिस्तान के लिए, उसने तो सब कुछ तबाह कर दिया पाकिस्तान को। देखें बात ये है कि दानिश के आप जो हैं वो नेशनल हैं, पाकिस्तान के आपके पास नेशनैलिटी है, अब नेशनैलिटी के अंदर किसी भी कम्युनिटी का बंदा आता है वो हमारा मेरा भी हक है, राजेश का भी हक है, किसी और का भी हक है कि जो काम गलत करेगा हम उसके ऊपर उंगली उठा सकते हैं, क्योंकि आप अब राजेश रमेश है ये नेशनल है यहाँ का, अगर ये कुछ गलत काम करेगा तो हम क्या चुप हो जाएंगे, हम क्या बोलेंगे जी ये हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है या किसी और कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, हम चुप हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, हर कोई बोलेगा राजेश तुमने गलत काम किया। अब तुम जो हो वो उस चीज का तुम गलत फायदा उठा रहे हो, तुम ये समझ रहे हो कि अगर मेरे ऊपर लोगों ने इस तरह की बातें की है तो मेरे पीछे पता नहीं क्यों पड़ गए हैं, इसीलिए मैं मेरे इस प्रोग्राम में राजेश को बुलाने का मेरा मकसद यही था कि जो लोग दानिश को सुन रहे हैं या वो समझ रहे हैं कि दानिश बिल्कुल सही कह रहा है, आपके सामने मैं राजेश को लेके आया हूँ, इन्होंने भी आपके सामने वो बातें बोली हैं, इन्होंने भी यही बोला कि आज दिन तक मेरे साथ कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे तो यहाँ तक भी याद है कि कितनी दफा किसी प्लेयर के पास शर्ट्स नहीं होती थी, चेंज कर दी यार मुझे शर्ट दे दो, मुझे ट्राउजर दे दो, ऐसा कितनी दफा हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ट्रैक सूट दे दो यार, अपनी टोपी दे दो ग्राउंड में पहन के जाने, ऐसा कितनी दफा हुआ क्रिकेट में, हुआ बहुत दफा होता है, लेकिन पता नहीं समझ नहीं आ रही दानिश तुम हैरान नहीं हो वैसे? मैं शौक तो हुआ तनवीर भाई, क्योंकि मैं आई डोंट नो दानिश भाई के साथ क्या पता ऐसा हो, वो कह रहे हैं हुआ है मेरे साथ, लेकिन नहीं तो अगर हुआ तो जिन लोगों ने अगर ये तो नाम लो, उनका नाम लेना चाहिए, नाम लो इसमें कोई शक आप, नहीं आप ये समझते हैं कि भाई अगर दो तीन लड़के थे उनका नाम ले लो, नाम ले उनको एक्सपोज कर दो, बाकियों को बुरा बोला तो बोलो ना, सही है आप एकदम सही बात कर रहे हैं, क्योंकि हुआ होगा उनके साथ तो वो नाम लेने में क्यों इतना आई डोंट नो कि वो घबरा रहे हैं, नाम ले दें वो डायरेक्ट के भाई इस बंदे ने मुझे ऐसा बोला तो पता चल जाएगा। अच्छा इसमें ऐसा हो सकता है कि जिस तरह आपको परेशान आप एकदम शॉक हो गए, इसमें ऐसा हो सकता है कि आपकी कम्युनिटी के कुछ लोग अगर दानिश को सुनते हैं वो परेशान हुए होंगे या शौक हुआ होगा कि यार दानिश किस टाइप की बात कर रही है, ऐसा नहीं है? नहीं मेरा तो तनवीर भाई क्योंकि इतना होता नहीं है आना जाना, क्योंकि अपने में तो मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, क्यों आपको पता ही है मेरा तो सारा जीव मेरी जो आउटफील्ड है किसके साथ हो उठक बैठक सब आप लोगों के साथ ही हो, बाकी ये ब्राज बाकी इसका मुझे कौन, क्योंकि वो उधर इतनी क्रिकेट नहीं है जो है उनमें इतना पता नहीं होता उन लोगों को, तो ये चीज़ हो क्या पता ये देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, जो देख रहे हैं उनका कॉल आती है मुझे कि भाई तुम्हारा नाम चल रहा है आजकल, जैसे पहली दफ़ा आपने लिया तो मेरे पास कॉल आई कि यार तनवीर भाई ने आपका जिक्र करा है,
ठीक है, दूसरी दफा कल मैं फिर बैठा तो मेरे को किसी का कॉल आई कि भाई दानिश भाई ने भी आपका नाम लिया है। तो मैंने जब वो देखा, दानिश भाई की देखी, मैंने कहा यार चलो मैं भी आ ही रहा हूँ इस केस में, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन ये चल रहा है मेरा नाम। देखे, आपका नाम लेने का मकसद ये था क्योंकि जो दानिश जिस तरीके से बातें कर रहा था ना और अपने आप को शो कर रहा था, वो ये शो कर रहा था कि पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है और दानिश के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, ठीक है ना। इस वजह से मैंने आपका नाम लिया था कि मैंने राजेश रमेश मेरे साथ इतना अरसा खेला है, वो और मैं एक साथ रहते थे, हमारे और उसके बीच में कोई ऐसी बातें नहीं थी, ना नहीं, कभी ना कभी कभी भी ना नहीं कभी हुई मेरे ऐसे। और तनवीर भाई के बीच में। इवन के तनवीर भाई के साथ तो मैं इंग्लैंड में 10 साल रहा, यहाँ पर भी खेला, लेकिन तनवीर भाई के अलावा भी इतने सारे प्लेयर्स हैं जो अच्छा पाकिस्तान में खेले मैं हैं। आपको एक चीज बताऊं, राजेश रमेश कितने मैचेस में इसको मैच नहीं खिलाया जाता था और मैं इसके साथ इतना ज्यादा फ्री हूं, मैं इसको रिकॉर्ड लगाता था, नो चल मैं तुझे डाउट मैच नहीं खिलाया, ठीक है, मैं इसको हजार दफा कितनी दफा नो बोल डाउट चुका, अबे नो मैंने डाउट बोला चल बे तुझे फिर मैच नहीं मैच नहीं खिलाया खिला तेरी टीम ने, ठीक है, लेकिन मुझे कभी भी वहां से कंप्लेन या किसी बंदे की नहीं आई यार इसको मैच नहीं खिलाते, ये आगे से कहता है नहीं जी मैं हिंदू कम्युनिटी से धन्यवाद। ताल्लुक रखता हूं तो इस वजह से मुझे मैच नहीं खिलाता, नहीं ऐसी कभी भी कभी भी इसने ऐसा हुआ कभी ही भी नहीं, क्योंकि जिंदगी में ऐसी कभी भी बात नहीं तनवीर की, भाई ये बात मैं तब बोलूंगा ना कि मुझे सामने से फील हो ऐसा, फील हो ना, क्योंकि मुझे कभी किसी से फील नहीं होता कभी था, भी फील नहीं हो, क्योंकि अगर बेस्ट 11 खेल रही है तो उसके अंदर वो नहीं खेलते थे मेरे जो बेस्ट होते हाँ मेरे ख्याल में राजेश अगर आपका भी YouTube चैनल होता ना तो थे। मेरे ख्याल में आप भी आज यही कह देते नहीं जी मेरे साथ पाकिस्तान में बड़ी नहीं नहीं बड़ी नहीं नाइंसाफी होती देखिए है, तनवीर भाई, बात इंसान को वो करनी चाहिए कि जो इंसान के साथ हुआ है। ऐसी जब बात मेरे है साथ यार। ऐसा कभी हुआ ही नहीं तो मैं क्यों और क्या, कहूंगा, अगर अगर दानिश के साथ ऐसा हुआ है तो उन तीन बंदों का नाम ले नाम ले, ले दे नाम ले ले, खत्म, ये तुम उन बात ही तीन खत्म बंदों हो का गई। नाम लेकिन लो लोगे, जो लोग आपको सुनना चाहते हैं वो भी सुन लेंगे, और जो और आगे से दानिश पता क्या कह रहा है, कह रहा है अगर मैं नाम ले लूंगा ना तो पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हो जाएगी, अबे भाई तुम 5 साल से क्या कर रहे थे भाई जब तुम मान नहीं रहे थे, और तुम अब क्या कर रहे हो जो 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 रोज तुम YouTube चैनल पे आके बैठ जाते हो और तुम पाकिस्तान का नाम बदनाम किए जा रहे हो, सीधा सीधा खुल के नाम लो नाम लोगों लो का, नाम क्यों नहीं लेगा पता है, क्योंकि इसने जिस दिन नाम ले लिया ना उस दिन इसके सब्सक्राइबर बढ़ना बंद हो जाएंगे, सब्सक्राइबर आपके नहीं बढ़ेंगे आपके पैसे कम हो जाएंगे, हर जगह यही बैठ के कह रहा है मेरे पीछे पड़ गए सब्सक्राइबर के, भाई आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो आप मेरी मेरे सब्सक्राइबर भी लेके उसको डब्बे में बंद करके रख लो भाई, तुम्हारे सब्सक्राइबर कोई नहीं लेके जाता, लेकिन सच बात करो, क्योंकि आपने मुझे बोला था कि मेरे में हिम्मत नहीं है बात करने की, तो मैंने आपको ये बताया कि मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं आज राजेश को यहाँ लेके आया हूँ और लोगों को बताना है, बताया कि ये भी हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है लेकिन ये पाकिस्तान का नेशनल है, नेशनल पाकिस्तान का नेशनल जो भी है वो जो भी गलत काम करेगा लोग उसके अगेंस्ट ही रहेंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू राजेश, ठीक है इंशाल्लाह ताला तनवीर आपसे भाई, फिर मुलाकात इंशाल्लाह होगी, ताला। और ये बहुत अच्छी बात है कि राजेश रमेश का भी YouTube चैनल नहीं है, वरना ये भी मेरे नहीं ख्याल है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं फ़ायदा उठाता, नहीं और एक बिल्कुल चीज़ मैं अपने लोगों को बता दूँ कि मैं इसके साथ इतना अरसा खेला हूँ, खेला भी और इंग्लैंड में रहा, कसम से इतना जेन्युइन आदमी है ये, मैं गारंटी गारंटी दे सकता हूँ ये, मतलब मैं इस बंदे के साथ, और ये भी मुझे कहता था कि तनवीर मैंने आप ही के साथ रहना, मैंने किसी और के साथ नहीं रहना, 10 साल हम क्योंकि रखते ही नहीं थे अपने साथ हाँ कोई और क्योंकि रखा। हम किसी और को इंग्लैंड रखते भी नहीं थे, हम यही कहते थे नहीं कोई तीसरा बंदा आ गया ये ना हो कि झगड़े शुरू हो जाए, झगड़े क्योंकि शुरू मेरे हो और इसका माइंड इतना अच्छा मिलता था, ठीक है ना, तो इस वजह से हम लोग सारे एक साथ रहते थे, अब आपको आइडिया हुआ है मेरा और राजेश रमेश का कि हम लोग जिस तरह एक कुछ बातें फैलाई जा रही है, हम दोनों दोनों पाकिस्तान के नेशनल हैं, नेशनैलिटी हम दोनों के पास, लेकिन दोनों डिफरेंट कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन लोग लोग ये देखें कि दो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग किस तरीके से आपस में एक साथ रहते हैं, साथ और रहते हैं। यहाँ पे जो बातें फैलाई जा रही हैं ये बहुत बहुत गलत फैलाई जा रही है, इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।